हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज बहुत ही टाइम के बाद गाइस वीडियो बन रही है। एक्चुअली टाइम बिल्कुल ही नहीं होता, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, इस बार तो सच में टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी मैं कहीं गया था सुबह 6 बजे काम पे, और अभी आया हूँ और देखा है लोग कमेंट वोट कर रहे हैं वीडियो को लेके, तो अभी इस वक्त बना रहा हूँ मैं सीधा डायरेक्ट वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, कि अगर आप में से कोई भी बंदा स्लोवाकिया जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, किसी भी कंट्री में जा रहा है, अगर आपको PCC अप्लाई करवानी है अपने TRC कार्ड के लिए, या PCC पोस्टल करवानी है, ट्रांसलेट करवानी है, वो हम करवा के देंगे आपको। मैंने वो काम भी नया शुरू करवाया है अपना, ठीक है। अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करवाना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, या लाइसेंस रीन्यू करवाना है, लाइसेंस अप्लाई करवाना है, अपने लाइसेंस में कैटेगरीज ऐड करवानी है, फोकलिफ्ट की या एक्सेट्रा कोई भी हो, तो वो भी हम आपका अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मैंने एक सर्विस आपके लिए ऑन की है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी इसकी पोस्ट भी आपको डाली है। तो चलिए गाइस, पहले तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से, ठीक है। तो जैसे कि मुझे यूट्यूब पे एक कमेंट आया था, एक भाई बोला था कि सर कि हमें स्लोवाकिया में काम नहीं मिल रहा, ठीक है। उन्होंने एक मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया था कि हमें यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, आप स्लोवाकिया में बिल्कुल ना आइए, ठीक है। तो मैंने जैसे कि उनको मैसेज किया था कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, अगर आप में से किसी को भी काम नहीं मिल रहा स्लोवाकिया पे, तो आप मुझे DM करिए, सुख यूरोप इंस्टाग्राम की मेरी ये ID है, जितना जल्दी हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और आपको काम दिलवाने की मैं कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। प्रॉमिस नहीं मैं करता, अगर मेरे हैंड में होगा जितना जो भी काम होगा मेरे पास, मैं आपको दिलवा दूंगा, वो बोला, ठीक है, करना आपने है भाई। तो वो बंदा बोल रहा है काम नहीं है। तो ऐसे भाई किसी को भी डीमोटिवेट मत करो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, आपके एजेंट ने आपको काम पे नहीं लगवा के दिया, ये आप किसी और को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। आप पहले देखिए, अगर आपको वहाँ पे काम कहीं पे नहीं मिलता, फिर आप बोलिए मैंने आपको बोला कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए ताकि मैं आपको काम दिलवा पाऊँ, आपने मुझे मैसेज भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे गलती आपकी है, ये कि आप काम नहीं करना चाहते हैं। चलो ये पॉइंट तो हो गया ख़त्म, ठीक है। ये तो मैं एक अवेयर कर रहा था कि लोगों को कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अगर आपको काम की दिक्कत आ रही है आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, बाकी ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप फ्रॉड किसी एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं, तो भाई वो आपका कोई भी काम नहीं करवा के देगा स्लोवाकिया में, इवन कि वो आपको वीज़ा दिलवा देगा, उसकी आगे जिम्मेदारी कोई नहीं होती, ठीक है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत की परेशानी नहीं होगी, इवन कि हम आपको सीधा कंपनी में भेज दें, आपको काम करना होता है वहाँ पे। अगला वीडियो को बजाने के पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का एक जवाब दे दूँ। एक भाई ने पर्सनली बोला था कि सर मैं डिलीवरी में कितने पैसे कमा सकता हूँ, अगर मैं डिलीवरी पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या मैं अपने काफ़ी पैसे घर पर भेज सकता हूँ। देखो भाई, सेविंग आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आप 800 से लेकर 900 यूरो आपकी अगर सैलरी है, ठीक है, आपका 150 से 200 यूरो सिर्फ आपकी ग्रोसरी का मंथली आएगा, बाकी जितने पैसे भी आपके बचते हैं वो आप इजीली अपने घर पे सेंड कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं उसकी। मान लो वीकेंड पे आपको छुट्टी होती है, ठीक है, आप कंपनी में काम नहीं करते, सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है मोस्टली कंपनीज में, तो अगर आप वीकेंड पे बाहर कहीं होटल में काम करते हो या डिलीवरी का काम करते हो, तो भाई वो सेपरेट पे आपका जो मिलेगा वो आप इजीली अपना सेव कर सकते हो, या आप उससे अपना ग्रोसरी का मंथली कर सकते हो, सारा उससे चला सकते हो, और जो आपकी सैलरी आती है 800 से लेकर 900 यूरो आप सेव कर सकते हो। तो भाई मैंने आपको अपना बता दिया है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपको अभी बता देता हूँ मैं, ये मेरे एक फ्रेंड की ID है, ठीक है, मैंने उनकी वोल्ट की ID उनको बनवा के दी थी, ठीक है, अभी कुछ ही टाइम पहले। वोल्ट की भी ID बनाते हैं और बोल्ट की भी बनाते हैं, बोल्ट फूड और वोल्ट की, अब दोनों में ये कन्फ्यूज़न है, बोल्ट में एक्चुअली गाइस पैसे थोड़े कम बनते हैं, अगर आपके पास स्कूटर है या कार है तब आपके थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, लेकिन अगर आप वोल्ट में काम करते हैं, अगर आपके पास स्कूटर है या कार है, तो उसमें आप 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं, तो आपके इजीली 80 to 100 यूरो बन जाते हैं, या अबव चले जाते हैं 100 से। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने जिनकी ID बनवाई थी, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, उन्होंने सख्त मना किया हुआ मुझे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, देख लीजिए 153 यूरो, ठीक है। ये उन्होंने सिर्फ 2 से 3 दिन काम किया है पार्ट टाइम, कभी कभी 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे।
तो भाई ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आपने कितना काम करना है। अगर आप सही ढंग से काम करते हैं तो आप पैसे सेव कर सकते हैं। वोल्ट में अगर आपको फुल टाइम काम करना है, वोल्ट में आप 70 से लेके 80 यूरो फिक्स कमा सकते हैं अगर आप 8 से लेके 9 घंटे काम करते हैं। तो आपका मैं टैक्स भी पे करवा दूंगा और आपको ऑफर लेटर भी और कॉन्ट्रैक्ट भी वोल्ट कंपनी का दिलवा दूंगा, लेकिन आपको ये कंडीशन है कि आपको पूरा काम करना होगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी आगे टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो है सल्वेनिया की पीआर के ऊपर। तो भाई साहब मैं सल्वेनिया में नहीं सल्वाकिया में रहता हूँ, ठीक है, ये आप पहले अपना कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर कर देता हूँ, ठीक है। सल्वेनिया सेपरेट है और सल्वाकिया सेपरेट है, ठीक है। सल्वाकिया में जो पीआर है वो 5 से लेकर 6 साल के बाद मिलती है पीआर। अभी तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, अगर आपको सल्वाक लैंग्वेज आती है तो 5 से 6 साल में आपको पीआर मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड का ही है, ठीक है, वो यूके में है अभी। तो उनका क्वेश्चन है कि हाउ टू मैरी इन सल्वाक गर्ल। तो भाई सलवाकिया की लड़कियों से शादी करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। वो जैसे कि उनके बहुत हाई फाई नखरे होते हैं। आप ब्राटिस्लावा में चले जाइए, वहाँ की लड़कियाँ तो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप मजदूर हो, ठीक है, आपसे दूरी बना के रखेंगे। इतना वो अपने आप को हाई कॉन्फिडेंस में मानती हैं कि आपको कुछ नहीं, अपने पास भी समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सलवाकिया में ऑटोमोटिव को छोड़ के कौन सी कंपनीज है जो अनस्किल्ड बंदों को काम देती है। नंबर वन, आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। नंबर टू, आप बोल्ट टैक्सी चला सकते हैं। नंबर थ्री, आप होटल लाइन में काम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फाइंड करना होगा। नंबर फोर, आप रेस्टोरेंट में जॉब सर्च कर सकते हैं। नंबर फाइव, बार में भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अनस्किल्ड जॉब आपको मिल जाएगी इजीली, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना होगा। अगर आप डिलीवरी का काम चाहते हैं वो आपका हो जाएगा, ठीक है, वो आपका मैं करवा दूंगा, आप डीएम कर देना मुझे। ओनली जिन्होंने आईडी बनवानी है गाइस, सीरियस जिन जो करना चाहते हैं वाकई, वो सर मुझे मैसेज करे, और कोई ना मैसेज करे, टाइम नहीं होता मेरे पास, क्योंकि आप टाइम वेस्ट बहुत करते हो, ठीक है। जिन लोगों ने तो मुझे मैसेज किया था उनकी आईडी अभी तक बन चुकी है और वो कमा भी रहे अपना, ठीक है। टाइम वेस्ट करने वाले मुझे मैसेज ना करें। तो अगला क्वेश्चन है, स्लोवाकिया के लिए लगेज में क्या क्या लाना चाहिए और क्या ग्रोसरी लाना चाहिए, क्या मसाला से लगाना और लेके आना चाहिए। देखो ग्रोसरी में क्या आप खाते हो, ठीक है, वीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आटा वगैरह मिल जाएगा। चावल आप थोड़े से अपने साथ कैरी कर सकते हैं, दालें कैरी कर सकते हैं जो होते हैं काले दाल, चने हो गया, ब्लैक चने, वाइट चने, मूंग की दाल होगी, जो भी दालें हैं ये अपने साथ कैरी कर सकते हैं, एक एक दो दो किलो, ठीक है। एंड अपने मसाले आप कैरी कर लीजिए, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, कैच मसाला, जो भी आप यूज़ करते हैं ये मसाले, ये आप कैरी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली आपको ये मसाला से मिलेंगे। और सॉल्ट भी आप लेके ही आइए इंडिया से, थोड़ा सा जितना आपका टाइम चल जाए, क्योंकि जो स्लोवाकिया का सॉल्ट है वो उसका कम सॉल्टी होता है, और जो हमारा इंडिया वाला है, लाइक अगर हम सब्जी में 1 चम्मच मिलाते हैं इंडिया वाले में, तो स्लोवाकिया वाले जो सॉल्ट में हमें 3 चम्मच मिलाने होंगे। तो वो अपना थोड़ा कैरी करके ले गई साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना हो जितना टाइम आप फ्री बैठे हो। अगर आप कंपनी में भी काम जा रहे हो, एटलीस्ट आपके पास ग्रोसरी होगी, जो आप अपने मान लो 1-1.5 महीने आपका चलता है, तो उसमें आपका पैसा सेव होगा। और कपड़े आप लेके जाना चाहते हैं, आप सर्दियों वाले अभी लेके जाइए, थोड़े थोड़े लेके जाइए, ठीक है, और गर्मियों वाले भी साथ में लेके जाइए। ज़्यादा कपड़े कैरी मत कीजिए, वहाँ पे पहने नहीं जाएंगे आपके पास। और वीकेंड पे फ्री होते हो, वीकेंड पे आप कितने कपड़े पहन लोगे, तो ये अपना ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ फूड कैरी करिए, ताकि यही चीज़ें आपको आगे जाके काम आएगी। अगला क्वेश्चन है कि सर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कितने दिन पहले पता लगता है। तो भाई अभी तो अपॉइंटमेंट जो है अभी मिलनी चालू हो चुकी है, ठीक है। हमारी रिसेंटली 5 अपॉइंटमेंट्स आई है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा डिटेल में, ठीक है, जब उनका हम अपॉइंटमेंट सबमिट एम्बेसी में फाइल सबमिट करवाने जाएंगे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स अभी मिल रही हैं, लेकिन कॉस्टली मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है। एंड सेकेंड थिंग के अपॉइंटमेंट्स जो है काफ़ी मुश्किल से मिल रही है, ठीक है। आप पहले क्या था, आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते थे, अभी क्या है, आपको लेबर कोर्ट से, वाकया लेबर कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है। जब वो अप्रूवल देती है तब अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाती है। तो ये थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रही है, अपडेट उनको हुआ है। बाकी जिनकी फाइल अभी प्रोसेस में है और जिनकी लगी हुई है, भाई सब्र कर लो। अगर आपको कोई भी किसी कोई मीठी गोली देगा, आप हमारे पास आ जाइएगा, भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। जहाँ पे आपने प्रोसेस करवाया होगा वो भी प्रोसेस आपका रुक जाएगा, प्लस आप जहाँ से करवाएंगे नया प्रोसेस चालू, वहाँ पे भी आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पेशेंस रखिए, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम डिलीवरी करते हैं तो फुल टाइम में कितना कमा सकते हैं। अगर मैं आपको एक गैस दे देता हूँ, अगर आप 70 यूरो दिन के कमाते हैं तो आपको 25 डे काम करना होगा,
70 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, जितनी भी अर्निंग होती है वो आपकी होगी, ठीक है। और जितनी भी अर्निंग करते हो, मान लो कि आपने 70 यूरो अर्निंग की है पर डे की, उसकी 16% कमीशन जो होती है वो वोल्ट वाले लेते हैं। तो आपने सारा काम करना है, ठीक है, 70 यूरो कमाने ही कमाने हैं, 16% कमीशन निकाल के 70 आपने कमाए, 25 डेज काम करो और जितने भी पैसे बने वो सेव करो। मान लो आपने कमंडेशन ली है, 200 यूरो की कमंडेशन होगी बाहर और 150 यूरो का फोन, 350 का ये हो गया आपका सेपरेट हो गया। अगर आप 1500 यूरो भी सेव कर रहे हो तो भाई बहुत अच्छा काम है, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा सेव कर सकते हो, मैं कम बता रहा हूँ आपको। एंड सेकेंड चीज, स्टडी वीज़ा पे जॉब। जी बिल्कुल, आप स्टडी वीज़ा पे जॉब कर सकते हैं। 20 आवर्स आप लीगली जॉब कर सकते हैं, आप 20 आवर्स से अबव भी कर सकते हैं जॉब, लेकिन आपको कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना। लाइक अगर आप स्कूटर पे जा रहे हो कहीं पे, आपने ट्रैफिक लाइट तो ट्रैफिक रूल तोड़ दिया है, ठीक है, आपने लाइट जंप की है, जो कोई भी रूल आपने ब्रेक कर दिया है जो कि आप पुलिस की निगाह में आ चुके हो, तो भाई आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं पुलिस सारे आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। और उसके बाद अगर आप पकड़े गए कि आप 20 आवर से ज़्यादा काम कर रहे हो, तो भाई आपके ऊपर एक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आप मान के चलिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम, आप काम करिए एक्स्ट्रा भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना आपने, ये अपने मोटे दिमाग में बिठा के रखिए, ठीक है। जितना मर्जी काम करो, रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हो, होटल में भी काम कर सकते हो, बार में काम कर सकते हो, एंड फूड डिलीवरी का भी काम कर सकते हो, कोई भी काम करो, लेकिन कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना, ठीक है। आपने पैसा कमाना, कमाओ आराम से। एक चीज़, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सलवा के PCC। भाई अगर आप लेटेस्ट PCC करवाते हो तो वो 3 मंथ के लिए ही वैलिड होती है। हमारे यहाँ पे जो 6 मंथ काउंट होता है सलवाकिया में, वो 3 मंथ काउंट होता है सर। 3 मंथ बाद वो PCC उनके लिए कोई काम की नहीं होती, वो एक खाली पेपर होता है जिससे हाथ पोछे जाते हैं। तो भाई मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब आपका अम्बेसी से वीज़ा आ जाता है, आप अपनी लेटेस्ट PCC अप्लाई कर लीजिए, पुलिस स्टेशन वाली जो SSP दफ्तर से साइन होके आती है। जब आपने वो अप्लाई की होगी, आपकी PCC आ जाएगी, आप अपने एजेंट को वो PCC दीजिए पोस्टल करवाने के लिए और ट्रांसलेट करवाने के लिए। बाकी अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वो भी आपका करवा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको एडवांस में करवा के रखनी है, ताकि जब आपका TRC कार्ड वहाँ पे अप्लाई हो तो आपके पास लेटेस्ट PCC होनी चाहिए, नहीं तो वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी होगी। और जब आप इंडिया में PCC अप्लाई करवाओगे वहाँ से लेके, तो आपको डबल पैसे देने होंगे, तो ये आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्लोवाकिया डेयरी फार्म वर्क में बता दो। तो यार मेरी डिफरेंट ही फील्ड है यार, इस फील्ड में मैंने कभी सोचा ही नहीं है, ना ही मैंने किसी को बोला है काम के लिए, और ना ही किसी ने कभी मुझे बताया इस काम के लिए, तो ये तो टोटली आउट ऑफ टॉपिक आ गया है, सॉरी ब्रो, मुझे इसका नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दिस वर्क ब्रो। अगले बात करते हैं भाई, अगली स्टोरी में 4 मंथ लिखा है, तो अब एम्बेसी में डेट मिल गई है या अभी? भाई स्टोरी तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, अभी भी 6 से 7 मंथ लग रहे हैं, क्योंकि अभी इस मंथ ही स्लोवाकिया ने अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है वो ओपन की हैं, अभी मिलना चालू हो गई हैं अपॉइंटमेंट्स। हमारी 5 अपॉइंटमेंट्स आ चुकी हैं, मैंने जैसे कि बताया है, अभी अपॉइंटमेंट्स मिलना चालू हो चुकी है। तो जिनके भी एजेंट ने अप्लाई किया होगा, आई होप कि आपको भी जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि स्लोवाकिया वर्क परमिट के आने के बाद हम फैमिली को कितने टाइम में बुला सकते हैं? जब आपका TRC कार्ड आ जाता है, आप अपने फैमिली को बुलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट अकोमोडेशन नहीं है तो आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को बुलाने के लिए एक प्राइवेट अकोमोडेशन होनी चाहिए जहाँ आप अपने फैमिली को रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपको अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है तो भाई वो बहुत ही घटिया अकोमोडेशन है जहाँ पर आप अपनी फैमिली को रखोगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, ठीक है, वहाँ पे आपकी फैमिली रह नहीं पाएगी। जब आप कुकिंग करने जाओगे रसोई में, तो वहाँ पे कोई बीफ बना रहा होगा, कोई पोक बना रहा होगा, तो आपकी फैमिली कुक नहीं कर पाएंगी वहाँ पे। तो इसलिए भाई प्राइवेट अकोमोडेशन बाहर 1 या 2 रूम लीजिए आप प्राइवेट, ठीक है, उनका लेटर एक जनरेट करवाइए रूम ओनर से कह के कि हमें एक लेटर प्रोवाइड करवा दीजिए, हम मैंने अपनी फैमिली को इन्वाइट करना है, इन्विटेशन लेटर भेजना है। तो आप फिर स्पॉन्सरशिप अपनी लगा सकते हैं TRC की, और अपने अकाउंट में थोड़े से 3 या 4 हज़ार यूरो फंड शो करने होते हैं, किसी अच्छे से लॉयर से बात कर लीजिए, आपको सारा कुछ वो करवा देगा, बस आपको अकोमोडेशन शो करनी है, ठीक है, और आप अपनी फैमिली को एलिजिबल हो जाते हैं बुलाने के लिए। कंपनी की हाँ NOC मत लेना, भूलना, कंपनी आपको जितनी देर NOC नहीं देगी घर वालों को बुलाने के लिए, उतनी देर मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवाकिया से बिजनेस रिलेटेड बता दीजिए। देखिए भाई, स्लोवाकिया में बिजनेस आप कर सकते हैं, अभी अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, बिजनेस आप पहले से सोच के रखिए आपने क्या करना है।
आप अपना बिजनेस कार्ड यहाँ पे बनवा सकते हैं आके। मान लो आपका TRC कार्ड आया है, ठीक है, 6 मंथ एटलीस्ट आपको कंपनी में तो जॉब करनी है। आफ्टर 6 मंथ आप बिजनेस कार्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बिजनेस कार्ड में कन्वर्ट कराने का फ़ायदा ये है कि आप 1 साल कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। मान लो कि आपकी सैलरी जो पेपर्स में है 1200 यूरो है, और आपको सारा टैक्स डिडक्शन करके आपको 1000 या 900 समथिंग मिलती है। लेकिन अगर आपका बिजनेस कार्ड बना हुआ है तो आपको 1200 ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। ये आपका बेनिफिट है 1 ईयर के लिए ओनली। आफ्टर 1 ईयर आपको खुद से ही अपना टैक्स पे करना होता है बिजनेस कार्ड का। तो बिजनेस कार्ड में ये है कि आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं, अपना बिजनेस शो कर सकते हैं, वो आप किसी भी अच्छे से लॉयर से जाके बनवा सकते हैं। उसके लिए मेरा ख्याल से 8 से लेकर 9 हज़ार यूरो आपको अपने अकाउंट में शो करना होता है बिजनेस के लिए। तो नए एक भाई पूछ रहा है कि हंगरी कंट्री कैसा है। देखिए, अच्छा कंट्री है, ये हंगरी का बहुत डिमांड आया है हमारे पास, तो अर्जेंट हमें बंदे चाहिए। गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, 25 जैन तक अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाएगी। पैकेज का मैंने ऑलरेडी बताया है बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंट पे, तो आप उस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए जो भी हंगरी जाना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सलवाकिया की TRC कार्ड पे हम किसी भी शेंगन कंट्री में अदर काम कर सकते हैं जाके। नहीं भाई, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये इलीगल माना जाएगा। अगर आप किसी शेंगन कंट्री में जाके अपने TRC कार्ड पे काम करते हैं वो इलीगल होगा, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो वापस आपको सलवाकिया डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप अगेन ऐसे काम करते हैं 2 या 3 बार वो ये चीज़ देखेंगे, तीसरी बार आपको वो इंडिया में डिपोर्ट कर देंगे और बैन कर देंगे उस कंट्री में 5 से 10 साल के लिए। ऐसे आपने नहीं करना, आप लीगल वे से चलिए। आप उस कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई कीजिए, ठीक है, ऑफर लेटर अप्लाई कीजिए, अपनी कंपनी की NOC लेके, ठीक है, आप अप्लाई कीजिए दूसरी कंट्री का वर्क परमिट जाके आपका वीज़ा लग जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सैटरडे संडे हम कैसे पार्ट टाइम जॉब करें तरनावा में। देखिए भाई, तरनावा में आप देखिए, अगर वहाँ पर डिलीवरी जॉब होती है तो वो आप ट्राई करिए करने की, नहीं तो वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट या बार कुछ भी होगा वहाँ पर आप जाके ट्राई करिए कि जॉब लेने के लिए। जब आप वहाँ पे जॉब आपको मिल जाएगी तो आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब इजीली कर सकते हैं 20 आवर्स। और अभी तो दिसंबर में हॉलीडेज आने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ज़्यादा पैसे कमाने का। आप वहाँ पे जाइए, कहीं पे भी वहाँ पे जाके पैसे कमा सकते हैं। और जो भी लोग डिलीवरी करना चाहते हैं, ठीक है, दिसंबर आने वाला है, दिसंबर की मिड में आपको काफ़ी 20 से हॉलीडेज मिलेंगे, तो आप इजीली डिलीवरी का काम करके 1500 से 2000 यूरो कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए गाइस आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर। अगर कोई क्वेश्चन बीच में रह गया हो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको ये डिटेल मिल पाए और जो आना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो जा पाए। अगेन मैं बता देता हूँ, मैंने एक सर्विस की है, ठीक है, जिसमें मैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, PCC, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल, कुछ भी अगर आपने बनवाना हो तो हम बनवा के दे देंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने PCC अप्लाई करनी है विद अ पोस्ट आइल ट्रांजिशन, वो भी हम आपका करवा देंगे। लोकल PCC भी आपका अप्लाई हो जाएगा और पासपोर्ट वाला भी हो जाएगा। जस्ट आपने मुझे DM करना है सुख यूरोप इंस्टाग्राम पे, और आपको विद इन 30 मिनट्स मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपका जो भी प्रोसेस होगा वो आगे करवाऊंगा। ओनली सीरियस काम करवाने वाले ही मुझे मैसेज करें, टाइम पास वाले ना करें। ये जैसे कि मैंने एक बनाया है टेम्पलेट, आप इसे देख लीजिए, ठीक है, ये सर्विस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप। तो अभी मैम के पास, जो बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंट वाले मैम हैं, उनके पास हंगरी और क्रोशिया का काफ़ी काम आ चुका है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके बजट में हो। तो ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।